नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम सतवारी चौक में, जहां पर आज कांग्रेस द्वारा यहां पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और बताना चाहेंगे इस समय रमन भल्ला जी और कांग्रेस के अन्य नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को, आज उसी के उपलक्ष्य में जो कि इनकी जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है, और आज के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से भी जाना, क्योंकि उन्हें अगर बताया जाए तो उन्हें नॉन वायलेंट फ्रीडम फाइटर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे फादर ऑफ द नेशन जो टाइटल था, ये टाइटल उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ से मिला था। उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम यहां पर आयोजन किया गया। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता सब यहां पर मौजूद हैं, और महात्मा गांधी जी को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। और इस समय आपको लाइव दृश्य यानी शिफ्ट टाइम के माध्यम से और इसे में आप देख रहे हैं यहाँ के कांग्रेस के और इस समय आपको बताना चाहेंगे कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में रमन भल्ला जी, अन्य नेता यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ योगी सानी जी और वकार रसूल भी यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। वकार रसूल जो कि JKPCC के नए, जो कि JKUT के प्रेसिडेंट हैं, और जिस तरह से आप जानते हैं के काफ़ी उथल पुथल अगर माना जाए तो कांग्रेस में देखने को मिली, जिसके चलते जब से कि ये काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जी के पार्टी के छोड़ते ही उन्होंने ये कहा कि अब पार्टी छूनी होगी। पर दूसरी तरफ आप देखें किस कदर यहाँ पर इस समय जमावड़ा है, और ये भी कहा था कांग्रेस नेताओं ने कि पार्टी अगर छोड़ना या आना उनका व्यक्तिगत रूप से उनका फैसला है, कोई भी उस पर टिप्पणी नहीं की जाती, उनकी अपनी मर्जी है। पर वहाँ पर सवाल ये भी उठे थे कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने प्रोटोकॉल को एंजॉय किया, पोजीशन को एंजॉय किया, और जब उन्हें पार्टी की ज़रूरत हुई उन्होंने पार्टी से दरकिनार कर दिया पार्टी। और जहाँ पर रमन भल्ला जी ने कहा था, और इसके चलते जब हमने उनसे इंटरव्यू लेने ने कहा था, पार्टी जो एक विचारधारा है, कांग्रेस जो पार्टी एक विचारधारा है और आम जनता उनके साथ जुड़ी हुई है, और उसी तरह से उभर कर आएगी, जिस तरह से ये कहेंगे कि इलेक्शन के दौर में जनता का विश्वास जो कांग्रेस पार्टी है, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी भी अब सत्ता में आने के लिए तैयार है, लगातार अब इलेक्शन में जनता ही डिसाइड करेगी। इसमें रमन भल्ला मौजूद है यहाँ पर, और साथ ही साथ योगेश ने अन्य नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। रमन भल्ला जी, आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? आज महात्मा गांधी जी के जो असूल थे उसकी आज सख्त जरूरत यहाँ पे है, और महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलना। आज जिस ढंग से विश्व में अशांति का माहौल यहाँ पे फैला है, एक दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई का माहौल है, सब्र का बांध टूट रहा है, आज तो यूनाइटेड नेशन ने भी ये नॉन वायलेंस डे यहाँ पे मनाया है। आज इस समय समय की पुकार है, उनकी सख्त जरूरत है। महात्मा गांधी जी जिसमें रोशनी की किरण नजर आती थी, हम चाहते हैं आज की सरकार उस रोशनी की किरण को वापस करे, जम्मू कश्मीर को पूरे रियासत का दर्जा यहाँ पे दे, और अब मिलजुल कर रहे हैं, जब मिलजुल कर रहेंगे यही हमारी तरफ से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माहौल है यहाँ पे रमन भल्ला जी क्या, इस समय वकार रसूल जी भी यहाँ पर पहुँचते हुए, जिन्हें जम्मू कश्मीर की बागडोर जिनके हाथ सौंपी गई है,
और इस समय वकार रसूल साहब यहाँ पर पहुँचते हुए और इस समय आपको बता रहे हैं लाइव दृश्य गांधी जयंती पर। आप देखिए और इस समय सर अब इधर देखो इधर, हाँ ठीक है। इंडिया नेशनल कांग्रेस बकार रसूल, बकार रसूल, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी अमर है, अमर है। मैं देखो जगह मारा, मेरी भैन है अमर रहना पता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। समय आप देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी अमर है। मर्द बन के काम कर रहा है। चलो और आपने देखा महात्मा गांधी जी अगर जाना नॉन वायलेंट फ्रीडम फाइटर के नाम से उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनका जो समाज में समाज के लोग मैडम माइक थोड़ा पीछे करो, मैं फोटो में आ रहा हूँ। पीछे क्यों करो आप, आप भी आ जाओ इधर आ जाओ ना, मैं भी आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, हमारी बहन है, हम थोड़ी मैडम माइक आ रहा है ना, आगे देखो या नीचे रख दो ना। हाँ जी आपको बता रहे हैं लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से सतवारी चौक में यहाँ पर इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर वकार रसूल जी, रमन भल्ला जी, योगेश सानी जी, अन्य नेता शाहनवाज जी, अन्य नेता भी यहाँ मौजूद ही उन्हें यहाँ पर आज इस तरह से बताना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ने फादर ऑफ नेशन भी के नाम से भी जाना जाता है और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ से इन्हें ये जो टाइटल दिया गया था। गुजारिश करूंगा हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री रमन भल्ला जी से कि आज महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो साबका प्रधानमंत्री रहे हैं उनके जन्म दिवस पर जितने भी हमारे कांग्रेस जन यहाँ पा रहे हैं उनको संबोधित करते हैं। माइक चले नहीं करना फिर, चलो माइक को छोड़ो, लो लो। मैं अपनी तरफ से भी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए जहाँ पे अब महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आज महात्मा गांधी जी के असूल उसकी आज सख्त ज़रूरत है। आज विश्व भर में यूनाइटेड नेशन ने भी उनका लोहा माना और आज के दिन नॉन वायलेंस डे के तौर पे यूनाइटेड नेशन ने भी ये दिन मनाया। जिस ढंग से मुल्क भर में अशांति का माहौल बना है आज ज़रूरत है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और शांति का माहौल स्थापित करें। आज के दिन हम महसूस करते हैं कि जहाँ पे महात्मा गांधी जी की उनको जम्मू कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आती थी आज की सत्ताधारी पार्टी है, आज जो बरसिकदार हैं वो सही मायनों में अगर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो उनको जो रोशनी की किरण जम्मू कश्मीर से आई हमें वही
रियासत जम्मू कश्मीर दोबारा वापस रियासत के दर्जे पे तौर पे यहाँ पे दे दें। हम मिलजुल के यहाँ पे रहें और नफरत की दीवारें जो आज खड़ी थी, जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि हम सब नफरत की दीवारें गिरा दें, भाईचारे के साथ रहें और उसी के माध्यम से हम रियासत को खुशहाल यहाँ पे कर सकते हैं, उन पे चलने की ज़रूरत है। और आज लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और आज किसानों की हालत इस बरसेदार पार्टी की तरफ से क्या यहाँ पे हुई, हम सब लोग किसानों के साथ हैं। किसानों की जो आमदन दुगनी करने के वादे यहाँ पे सरकारें करती थी, ज़रूरत है कि दोबारा ऐसा वक्त ऐसी योजना बनाएं जो वाकई किसानों की आमदन दुगनी यहाँ पे हो, किसान खुशहाल होगा, तुम्हारा मुल्क खुशहाल होगा। अपनी तरफ से मैं महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पे करता हूँ। शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष साबका मंत्री भाई रसूल साहब से कि बनने के बाद पहली दफा सतवारी चौक में गांधी जी की मूर्ति के नीचे आज सब लोग हम लोगों ने यहाँ गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं सारे कांग्रेस जन। अब उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करें। माइक वो कहाँ है, वो टीचर को नहीं चला। आज हमारे देश के महान बापू महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और इस दिन पे मैं तमाम देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये साथ में कहता हूँ कि अगर देश 75 साल तरक्की की राह पे चला, अगर देश में आज इतनी तरक्की की है, अगर देश में आज भी भाईचारा कायम है, वो हमारे बापू महान महात्मा गांधी जी की देन है। और इस मुल्क को जिसने अंग्रेजों के साथ लड़के, अंग्रेजों के साथ पूरा जंग छेड़ के, नॉन वायलेंस की जंग छेड़ के उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई और इस देश, ये मुल्क अगर आज दुनिया की चौथी सुपर पावर बना है, ये सब क्रेडिट जो है महात्मा गांधी जी के उस फाइट को जाता है जो उसने इस मुल्क के लिए की, जो उसने इस मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी। और आज जो हमारे महान नेता राहुल गांधी जी पद यात्रा पे निकले, जैसे महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसी तरह से आज भारत जोड़ो की तहरीक राहुल गांधी जी ने शुरू की है और वो तहरीक जो है वो उसका सबसे बड़ा मिशन है इस मुल्क से नफरत को हटाना। जो नफरत आज की बीजेपी पार्टी और उसकी शाखाएं जिसमें आरएसएस और दूसरे लोग हैं शामिल हैं, जो उन्होंने इन 8 सालों में मुल्क को दी, उसको मिटाने के लिए आज राहुल गांधी जी निकले हैं और मुझे लगता है वही रास्ता उन्होंने चुना है जो महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च के थ्रू चुना था। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारे मुल्क के सभी लोग इस नफरती सियासतदानों की बातों को छोड़ के, इन नफरती दीवारों को मिटा के, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत करेंगे, जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सभी मजहबों को, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन, तमामों को जोड़ के इस मुल्क को 75 साल चलाया। अगर आज मुल्क इस हद पर पहुंचा है, आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमी पहुंचा है, आज दुनिया की बड़ी फौजी ताकत बन चुका है, आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क बना है, आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी वाला मुल्क बना है, मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो महात्मा गांधी जी की है। और जो महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को सिखाया,
इन उसूलों पे चलने का, तो 75 साल कांग्रेस पार्टी ने सभी मजहबों को साथ चलाया, इस देश को आगे बढ़ाया। मुझे लगता है राहुल गांधी जी का भी मिशन वही पहुंचेगा और आने वाले वक्त में इस देश से नफरत खत्म होगी और कांग्रेस दोबारा मजबूती साथ इस देश में आएगी। लाल बहादुर शास्त्री जी जिन्होंने किसानों के लिए लड़ा, जिन्होंने मजदूरों के लिए लड़ा, आज मैं इस दिन पे उसको भी श्रद्धांजलि पेश करता हूं, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और आज दोनों जो महान हस्तियां हैं महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को हम दोनों यहां पे मेरे साथ भला साहब और मेरे तमाम पार्टी कांग्रेस के लोग और सेवा दल के लोग सबको साथ लेके हम यहाँ सबको उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तो इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। अमर रहे वकार साहब, अमर रहे। सर 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 हाइड ले सर 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 मैं आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं महात्मा। ये चरखा जो है ये कहीं ना कहीं याद दिलाता है महात्मा गांधी जी, इसी चरखे पर कवरेज कर रहे हैं यहाँ से। ये लो आगे से बोलो, आपसे ले लो। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बापू जी जो कि फादर ऑफ द नेशन जिसे कहा जाता है, आज भी गांधीयन फिलॉसफी के ही ना कहीं आम जनता उसे फॉलो करना चाहती है। राष्ट्रगान चले चले दी तरंग तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विश्व महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे श्री महात्मा गांधी अमर रहे। चलिए समय हमारे साथ सर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज बापू गांधी जी के दिन पर हम सबको मुबारकबाद देते हैं कि गांधी जी जो हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर एक लंगोटी और सोटी लेकर के सारी दुनिया को जगाया और इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने लोगों को एकत्रित किया और लोगों ने उसके बाद बढ़ चढ़ कर इस आज़ादी के लिए हिस्सा लिया और मुल्क हमारा आज़ाद हुआ। हम बापू जी को आज के दिन याद करते हैं सब लोग और उनकी जो है हमेशा के लिए हम जो है वो जो उन्होंने कार्य किए वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं सब लोग। इसलिए बापू गांधी जो थे इनका नाम राष्ट्रपिता हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने डाला था, जी जी फादर ऑफ द नेशन जी, और महात्मा जी इनको टैगोर नाथ ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनका नाम डाला था महात्मा जी। इन्होंने अच्छे काम किए, उन्हीं की सराहना आज कांग्रेस पार्टी सारी इकट्ठी होकर के आज इनका दिन मना। चलिए समय उदय भानु सिंह यूथ कांग्रेस के जो कि प्रधान है इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। उदय जी, महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो फादर ऑफ द नेशन भी उन्हें कहा था, ये सुभाष चंद्र नेता जो बोस है उन्होंने सुभाष चंद्र नेता जी ने उन्हें टाइटल दिया था, तो किस तरह के आज लगता है उन्हीं की फिलासफी को जहाँ पर एक कांग्रेस बात करती थी उन्हीं की फिलासफी को फॉलो कर रहे हैं, उसी के आधार पर उनके विचारों पर आइडियोलॉजी से कांग्रेस पार्टी चलती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्टी को दरकिनार किया, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भाषण में कहा जबकि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठन किया उन्होंने कहा कि आज भी वो गांधी फिलॉसफी पर चलते, क्या कहना? देखिए गांधी जी की फिलॉसफी एक ही थी, भारत को जोड़ के रखने की,
भारत जो विभिन्न विभिन्न भागों में, प्रदेशों में, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और जिसमें अंग्रेज राज कर रहे थे, पूरे देश को एक करके उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। और इसी फिलॉसफी में कांग्रेस भी काम कर रही है और इसी फिलॉसफी में राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो पदयात्रा। और जब भारत को जोड़ने की बात आती है और जब सबसे इम्पॉर्टेंट समय इस देश को बचाने के लिए चल रहा है, उस समय गुलाम नबी आज़ाद जी जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है, जो उसको जोड़ने की बात है, उसको छोड़ के देश को और गांधी जी की जो सोच लेके चल रहे हैं उनको तोड़ने की बात करते हैं, तो ये सिर्फ दिखाने की बात है। अगर अंदर से गांधीवादी होते तो इस मुश्किल समय में जब लोग परेशान हैं टैक्सेस से, महंगाई से, लोग जातिवाद से, काफ़ी चीज़ें हैं जो हैं हमारे देश में लोग परेशान हैं, इस समय वो जो देश को जोड़ने वाली ताकतें उनके साथ होते हैं। लेकिन उसके विपरीत जाके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बांटने का काम किया है या बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा देने का काम किया है, तो इससे पता चल जाता है कि वो कहते हैं कि भाजपा का हमारे दूर दूर से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं है। पर वही दूसरी तरफ उन्हीं के नेता सलमान निजामी की अगर बात करें, उन्होंने कहा कांग्रेस तो छुनी होगी, कांग्रेस तो खत्म है। वो आने वाला समय दिखा देगा और ये दिखा देगा, जो आप यहाँ लोग देख रहे हैं सब गांधीवादी लोग हैं, जो सोच है भारत को जोड़ने की और गांधीवादी सोच है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और ये तो अभी नए नए बीजेपी के खेमे में गए हैं, जो पुराने लोग थे रामदेव जी जैसे, वो भी अब बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को देख के कि कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जिस तरह से राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, तो जो पुराने बीजेपी के खेमे में गए थे उनकी भी आंखें खुल रही हैं। तो ये अभी नए नए वहाँ गए हैं तो इनको थोड़ा समय लगेगा अपनी वफादारी। आपसे वो तो कहते नहीं गए, हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बुखारी जी भी यही कहते थे कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देने है, लेकिन सबको पता है वो बी पार्टी है और सी पार्टी जो नई बनी है, तो कहीं ना कहीं इनके तार जुड़ रहे हैं। और क्यों गए हैं, इस समय में गए हैं जब देश को जरूरत थी एक ऑपोजिशन स्ट्रांग होने की, जब सब लोग जो देश से प्यार करते हैं, गांधीवादी सोच से प्यार करते हैं, वो एक साथ हैं। इस समय में जाना सब समझ रहे हैं, ये प्रश्न मार्क डालता है कांग्रेस को कितना नुकसान होगा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के बनने से, आजाद साहब के निकलने। वो आप उनके नेताओं से पूछो जो गए हैं, उनके नेता आज परेशान हैं। नेता तो चले गए, वर्कर्स वहीं कांग्रेस के साथ रहे, तो ये सवाल अगर इनके जो नेता हैं, जो सो कॉल्ड नेता अगर जो गए हैं उनसे पूछे वो कितने परेशान हैं, उनको कहीं ये ना लग रहा हो गलती होगी, क्योंकि खुद तो चले गए लेकिन वर्कर जो है वो कांग्रेस में रह गया, तो ये सवाल उनसे आप जरूर पूछिएगा। हम तो पूछते हैं, वो कहते नहीं, हमने कहा कि कहीं ना कहीं बात कुछ हो रहा है, क्योंकि जब प्रोटोकॉल आपने एंजॉय किया, जब पोजीशंस एंजॉय की, तब आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? आप पार्टी को आपकी जरूरत है तो आप पार्टी से दरकिनार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और कितनी देर से वो जम्मू आए और कितनी देर वो जम्मू रहे, दिल्ली में ज्यादा टाइम रहा, और जितने भी रहे वो यूनियन मिनिस्टर रहे, सीएम रहे, तो कांग्रेस के कारण रहे। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती, इंडिपेंडेंट सीएम बन सकते थे क्या? लोकसभा इलेक्शन उधमपुर की 2014 में हार चुके थे, अगर आपको इतनी पकड़ थी जम्मू कश्मीर में तो आप वो जीतते, और जबकि कांग्रेस के सपोर्टर्स का भी हाथ उनके पीछे था, और तब भी अगर नहीं जीत पाए तो आपकी कितनी फॉलोइंग होगी आप समझ सकते हैं। आने वाले इलेक्शन में क्या लगता है, अगर गुलाम नबी आजाद साहब की जो पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है उससे कांग्रेस को नुकसान होने वाला? देखिए, लोग समझ चुके हैं, लोग बीजेपी की गलत नीतियों से परेशान है और लोग समझ चुके हैं कि अब बदलाव लाना है। और ये जितनी भी पार्टियां हैं, और वो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की ए टीम, बी टीम, अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी, या ये गुलाम नबी साहब की पार्टी, लोग समझते हैं ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बनी है। लोगों का एक ही निश्चय है, बदलाव लाना है, और बीजेपी से जो लड़ाई लगती है कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का, छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, वो बिल्कुल हो रहा है। एक तरफ लोगों की सामान खरीदने की शक्ति पूरे देश भर में खत्म हो रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हर दिन एमएलए खरीदने की शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारे पास लोग गरीब, पूरे देश में लोग गरीब हो रहे हैं, और बीजेपी के जो अडॉप्टेड बिजनेसमैन है अडानी, वो देश पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन रहे हैं, वो सामने पता चल रहा है कि क्या चल रहा है। इतनी करप्शन हो रही है, इतना काला धन पिछले 70 सालों में स्विस बैंक में नहीं गया, पिछले 2 सालों में जितना गया है, तो वो क्यों गया, कौन किसकी सरकार थी और किसने काला धन जाने दिया? तो ये सब सवाल पब्लिक पूछती है कि कांग्रेस के समय जो सिलेंडर 400 का मिलता था वो आज 1200 का मिल रहा है, सवाल तो पब्लिक पूछेगी। इलेक्शन में जनता क्या जवाब देगी? उसी पार्टी को चुनेगी जो जनता का नेतृत्व करती है, जनता को राहत देने का प्रयास करती। बिल्कुल, जनता समझ चुकी है कि वो कांग्रेस की पॉलिसी थी, यहाँ पे 400 का सिलेंडर दिया जाता था, वो कांग्रेस का टाइम था। अगर हम 500 रुपया लेके सब्जी लेने जाते थे सब्जी की दुकान में, तो टोकरी भर की सब्जियां आती थी, आज 500 रुपए में आप भी अगर सब्जी लेने जाओगे तो एक लफाफा, एक पॉलिथीन सब्जी भी नहीं आती। तो लोगों के घर में, किचन में भी मार दे दी है बीजेपी ने टैक्सेस दे दे, और जो टैक्सेस है 9 लाख करोड़ से ज्यादा जो पैसा है वो उन्होंने अडानी अंबानी का माफ किया है, तो ये पता चल गया है ये पूंजीपतियों की सरकार है, और लोग बदलाव के लिए वोट देंगे। और एक ही पार्टी है जो पिछले 8 सालों से सड़कों में है, आज भी सड़कों में है और लड़ती रहेगी, वो कांग्रेस है। मैडम जी, देखिए ऐसा है, लोग दर्शनलाल वर्मा रिटायर्ड बैंक में
देखिए आज तक क्या है, लोग वोट उसी को देते हैं जो जनता का काम करता है। हमारे जितने भी कांग्रेस के इलेक्टेड हुए हैं अपना कॉरपोरेटर और नहीं भी हुए हैं, वो हर जगह अपना अपना काम कर रहे हैं। उनकी प्रोग्रेस देखिए, जाके देखिए वहाँ वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए जनता उन्हीं को वोट देगी जो उनके काम करते हैं, उनके काम आते हैं, दुख सुख में आते हैं, उनके घरों में जाते हैं, उनके साथ मिला करते हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस जो है वो जुल के आएगी और उन्हीं की हुकूमत बनेगी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। इस समय आपको आपने लाइव दृश्य बताया जहाँ पर आज महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा, जिसे अध्यक्ष वकार रसूल और साथ ही साथ कहेंगे रमन भल्ला जी, योगेश सानी, अन्य जो नेता थे उन्होंने रखी। पर साफ तौर पर इनका कहना है कि भाजपा जो नीतियाँ चला रही है, जो भाजपा जो नीतियाँ ला रही है, कहीं ना कहीं जन विरोधी, युवा विरोधी नीतियाँ, और वो अंडानी और अंबानी की सरकार है। ये कहा गया था कि गरीबी खत्म करेंगे, आज के दौर में गरीबों को ही खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। पर अब जनता जागरूक हो चुकी, आने वाले इलेक्शन में बाखूबी जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता को अब बहलाना या फुसलाना ये अब आम बात हो गई है। अब जनता जागरूक होकर ही अपना मत देगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी। चलिए देखते हैं, कांग्रेस ने कहा कि गुलाम नबी आजाद साहब जब पार्टी को उन्हें जरूरत थी तो तब उन्होंने दरकिनार किया पार्टी को और अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई। पर कांग्रेस से क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी वर्कर जुड़े हैं वो एक विचारधारा के साथ जुड़े हैं, उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, एक सवाल बड़ा है कि जब प्रोटोकॉल को उन्होंने एंजॉय किया, जब उन्हें पोजीशन को एंजॉय किया, तब गुलाम नबी आजाद साहब ने पार्टी को क्यों नहीं छोड़ा? तब तो पार्टी के साथ रहे, पर जो ही पोजीशन खत्म हुई, प्रोटोकॉल को एंजॉय नहीं किया, तो आपने पार्टी को दरकिनार कर दिया। ये हम नहीं, आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि तब आपने पार्टी को क्यों नहीं छोड़ा जब आप पोजीशन और प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे थे। भले ही आप जितनी भी पार्टियां बना लीजिए, पर आप कोई किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, आम जनता की बात करें, पर आज के दौर में जनता जागरूक हो चुकी है। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।